नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेडिकल काउंसलिंग अपना छत्तीसगढ़ का। दोस्तों आप जानते हो कुछ दिन पहले MBBS का काउंसलिंग फॉर्म भराया गया था जिसमें मैं वीडियो बना भी दिया हूं। साथ ही साथ दोस्तों आज के डेट में यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट में जो लोग फॉर्म डाले हैं उसका मेरिट लिस्ट 2021 जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसका आ चुका है। दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर दे दिया गया है, इसी मेरिट लिस्ट से आपका नाम सिलेक्शन होगा। दोस्तों इसका सिलेक्शन कैसे होता है, किस प्रक्रिया से आपको आपका नंबर जोड़ना है, कैसे, इसको पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप इस मेरिट लिस्ट के बेस पे एडमिशन होगा कि नहीं होगा इसका भी आप 50% अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली देख सकते हो, यहाँ हाईलाइट किया हूँ मैं, 31 जनवरी 2022 को यहाँ पर CG स्टेट मेरिट लिस्ट एडमिशन ईयर 2021 फॉर फर्स्ट काउंसलिंग MBBS और BDS, MBBS और BDS दोनों का यहाँ पर दे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जैसे मोर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अटैचमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अटैचमेंट में जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक PDF डाउनलोड होगा दोस्तों, जो कि कुछ इस प्रकार से है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो नीट स्कोर गया है सिस्ट जो 685 है, जिसमें अंशुल केवट है ये इसका नंबर 685 में है और ऑल इंडिया रैंक इसका 675 है। तो दोस्तों ये ऑल इंडिया बेस में अगर भरा भी होगा तो उसके बेस पे ही आ सकता है और साथ ही साथ स्टेट लेवल में। तो दोस्तों इसमें जैसे यहाँ पर OBC नॉन क्रिमिलियर दिया है OBC नंबर 1, तो OBC वालों के लिए बेटर ये रहेगा कि जो नंबर दिया है कैटेगरी रैंक उससे ही लोग अपना अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर OBC नंबर 2 OBC नंबर 3 दिया है तो इन लोग को OBC में काउंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो जनरल कैंडिडेट है वो लोग को अपने उसमें देखना पड़ेगा आपका जनरल में कि कितना जनरल सीट है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारा नियम होता है जिससे आपका काउंसलिंग में जो मेरिट लिस्ट रहता है उससे भी यहाँ से निकाल सकते हैं। EWS में दोस्तों इस बार बहुत कम फॉर्म भरा है, एक है देवांशी श्रीवास्तवा बोल के है जिसका EWS में फर्स्ट है, EWS रैंक फर्स्ट में जिसका यहाँ देख सकते हो उसका नीट स्कोर है 646 है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा मेडिकल कॉलेज के लिए लिस्ट कुछ इस प्रकार निकाला गया है। OBC देख सकते हो यहाँ पर, और इस बार कटअप बहुत ज़्यादा गया दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर कटअप टोटल 545 पेज है जिसमें से हजारों लाखों बच्चे का नाम है इसमें, और आप देख सकते हो कटअप बहुत ही ज़्यादा गया, मतलब 500 से कम इस बार नहीं जाने वाला है दोस्तों आपका। देख सकते हो 138 पेज है, हर पेज में कम से कम 20 बच्चे का नाम है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे का। अगर 138 है तो मैं 1300 पेज देख रहा हूँ, अगर 10 बच्चे का है तो 10 ही पेज में इसका भर जाएगा अगर कॉलेज समझे तो। अगर 8 कॉलेज है तो अगर 100 सीट भी अगर अनुमानित नॉर्मल लगाते हैं तो 800 सीट के लिए सिर्फ 8 पत्थर को जरूरत है दोस्तों। तो सोच सकते हो कि कट ऑफ तकरीबन 550 से एवा भी जाएगा, 500 से नीचे इस बार नहीं जाने वाला है आप देख सकते हो वहाँ पर। तो 500 अनुमानित लगा लो दोस्तों, 550 भी जा सकता है क्योंकि इस बार का कटअप देखकर तो सोच में लग गए हैं बाबा कि इतना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जनरल रैंक वालों का सबसे ज़्यादा है यहाँ। उसके बाद ST में भी बहुत कम है, ST कैटेगरी में देखा नहीं, ST भी इस बार कितना जा रहा है उसका कटअप देखना पड़ेगा। और अलॉटमेंट कुछ दिन में भी आ जाएगा, अलॉटमेंट भी इसी मेरिट लिस्ट बेस से। तो अलॉटमेंट निकलने के बाद देखते हैं सेकंड राउंड में कितना तक कटअप जा रहा है, क्योंकि स्कोर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है दोस्तों इस बार आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि जैसे अलॉटमेंट आता है या कुछ भी नया अपडेट आता है तो मैं अपने YouTube में डाल दिया रहूँगा, आप लोग देख लेना। और यहाँ पर अभी मेरिट लिस्ट आ चुका है उसको भी आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।